सीन के बारे में? सीन के बारे में ऐसा है कि अभी हम लोग जो शूट कर रहे थे वो ऐसा है कि शान रजनी से प्यार करता है, शादी हो चुकी है आप जानते हैं। अब जो डैडी हैं, पापा जी हैं, उनको कोई पंडित कहता है कि रजनी की कुंडली में दोष है, तो वो उपाय बताते हैं कि आपको 201 बार घड़ा भर के, मटका जो होता है वो भर के शिवलिंग पे डालना है, यू नो। तो अभी शान तो जानता है, शी इज़ ए ह्यूमनॉइड, वो एक रोबो है, वो कर सकती है 200 बार भाई, इंसान कैसे, क्योंकि शान वैसे ही बहुत आलसी है। एंड बेटर है ना कि रोबो है, शी कैन डू 2000 10000 टाइम, यू नो, उसको वो थकेगी नहीं। तो शान दिमाग चलाता है कि पापा जी तो बहुत दूर हैं अभी, पापा जी को कैसे पता चलेगा। वो कहता है रजनी को कि एक काम करो, तुम भर के आओ और पापा जी के सामने मुझे दे देना, मतलब पहले पहुंचने से पहले मुझे दे देना, जैसे पापा जी को लगे कि मैं कर रहा हूँ। अब पापा जी को तो पता नहीं ना कि वो रोबो है, पापा जी तो इंसान समझ के वो विधि विधि करवा रहे हैं उनसे। तो इसमें शान बहुत थक जाता है, देव बहुत थक जाता है, और बैठ जाते हैं एक जगह, और शान कहता है कि देख रजनी आई क्या, तो मैं ज़रा उसको ढूंढता हूँ। मैं जैसे ही पलटता हूँ तो हम देखते हैं सामने कि पापा जी खड़े हैं। शान को मैं कहता हूँ पापा जी, लेकिन शान भावनाओं में बह जाता है, वो पापा जी के नाम से ही बोलने लग जाता है कि पापा जी को क्या पता चलेगा, ये वो पूरा स्टोरी सुना देता है जो उसने झूठ बोला है। और वहाँ पे पापा जी, जब शान पलटता है तो वी गेट अ शॉक एंड देव और शान आज आगे कितने परेशान हो गए। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है बॉम्बे में, और मैं फिल्म सिटी में पहले भी बहुत बार शूट कर चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि आम तौर पे जब आप कहीं और शूट करते हैं या कहीं और घूमते हैं तो आप उतना टैन नहीं होता है, बट फिल्म सिटी में आई डोंट नो वाई इट इज़ दैट कि बहुत जल्दी टैन होता है। तो ये जो टैन है फिल्म सिटी का या गोवा का, ये महीना महीना लग जाता है जाने के लिए, तो काफ़ी टायर्ड है यार, काफ़ी सुबह से अभी हीट। तो मतलब गर्मी से काफी परेशान है आप लोग। एग्जैक्टली यार, आई मीन गर्मी गर्मी किसको पसंद है, वैसे मुझे पसंद है। सेट पे मैं फेमस हूँ कि मैं कभी एसी ऑन नहीं करता, मैं कभी फैन ऑन नहीं करता, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, लेकिन इतनी गर्मी नहीं भाई नॉर्मल ठीक है। अच्छा, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी भी मैं ट्वीट्स पढ़ता रहता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट एंड एवरीथिंग हम जब भी करते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, और इतना आपको पसंद आ रहा है, हमने उम्मीद नहीं किया था, लेकिन और ज़्यादा खुशी हो रही है, काम करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग सीन्स में अपने आप से इतना इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं, मतलब देव मैं खुद जाके डायरेक्टर के कहता हूँ, या शान मुझे कई बार बहुत बार आइडियाज़ देता है, या मैं शान को बोलता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, तो हम लोग मिलजुल के इम्प्रोवाइज़ करते हैं, ताकि देव को और इंसल्टिंग दिखाएं हम लोग कि उसकी और ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, उसको और मार पड़ रही है, वो गिर जा रहा है, या उसका एप्पल छीन ले रहा है शान, ताकि लोगों को खुशी मिले, हंसी मिले, मुस्कुराहटें मिले, और हम लोग ट्राई करते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर लविंग अस, कीप लविंग अस, और हम वादा करते हैं कि हम आपको और हंसाते जाएंगे। थैंक थैंक यू। यू। स्लो स्लो वो स्लो ही चलेगा। ओके राजेश के पास बात करेंगे। वेरी गुड। मैं बोलता हूँ आते हैं चलने के लिए। हाँ नहीं अच्छा लिया। साइलेंस। हाँ। टेक इट। लग रहा है यार। दीवा किसी के आखन भाई के आगे कोई मत चलना ना, पीछे चलना, लेफ्ट राइट चलना। शॉट में मटका फूटने वाला है। ओके। नो प्रॉब्लम सर। रो प्लीज। आज भाई लोग जब मटका गिरेगा तो वहीं से टर्न करके थोड़ा थोड़ा आगे आना बस। रोलिंग। आज एक्शन।